लोगों के पैसे खा खा के बॉडी बना ली गई। लाल कर दी पक्का देखूंगा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज डूइंग रियली गुड। कल रात को थोड़ा लेट हो गया था बिकॉज एक दो गाने मुझे ढूंढने थे फॉर व्लॉग, तो वो ढूंढ के मुझे थोड़ी बहुत स्टडीज करनी थी, वो कंप्लीट करके मैं सो गया। अभी बज रहे इट्स अराउंड 9 AM, अभी वर्कआउट करने जाना है। सो या अभी वर्कआउट करते हैं। आज चेस्ट ट्राइसेप है, मेरे ट्राइसेप ऑलरेडी पहले से दुख रहे हैं, बट स्टिल हम लोग चेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे। सो या लेट्स गो बॉय। प्री वर्कआउट पी लिया, वो हीट करने चालू कर दिए। गाइज मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ, लाइक हम लोग कोई भी जिम जाते हैं ना, तो हम लोग का पूरा ग्रुप एक साथ जाता है, 15-20 लोग। तो अभी हम लोग ने जो रिसेंटली जिम जा रहे थे ना, तो उसमें मैंने कहा था कि ये वाले अपन जिम में जाएंगे, तो आधे लोग बोलते कि नहीं भाई तेरे जिम में रिसेप्शनिस्ट अच्छी नहीं है। आधे लोग रिसेप्शनिस्ट को देखने आते, वर्कआउट करने नहीं आते। और वही टाइम पे जब जो पोजिशन में वो खड़ा रहता है उसके सामने लड़की खड़ी रहती है, तो लड़की को लगता है कि वो मेरे को देख रहा है, बट तुम्हारा विजन ही क्लियर नहीं रहता, तुम तो बस होश में आने का ट्राई करते हो। ये तुम लोग के साथ होता है कि नहीं होता है मुझे बताओ, और मेरे हर बार होता है कि मतलब जब मेरा सेट होता है तो मैं ऐसा स्टेबल होने का ट्राई करता हूँ और ऐसे कंटिन्यू नज़र रखता हूँ, और सामने वाले को लगता है कि मैं उसको देख रहा हूँ। अरे भाई इधर होश ही नहीं है मेरे को। लोगों के पैसे खा खा के बॉडी बना लिए गई। लोगों के पैसे खा लोगे तो आपकी बॉडी अच्छी बनेगी ऐसी, और जब नहीं खाओगे तो मेरी कैसी रहेगी, तो लोगों के पैसे खाओ। ओके सो गाइस, आई एम डन विद द वर्कआउट, और अभी मैं थोड़ा एमएमए का प्रैक्टिस कर रहा था। तुम लोगों को नहीं पता तो पहले मैं एमएमए भी करता था, और उसके पहले मैं ताइक्वांडो भी करता था। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था फाइट करने के लिए। मेरा मतलब जितने भी मेरी फ़ाइट होती थी, मेरे मास्टर्स मुझसे मेरे ओपोनेंट को बड़ा ही रखते थे हमेशा, क्योंकि जो मेरे बराबरी वाले थे वो कभी मेरे से फ़ाइट ही नहीं कर पाते थे। मेरे किक्स बहुत अच्छे थे ताइक्वांडो में, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। सर मेरा एक बार थोड़ा फिजिक अच्छा कर लूँ, वेट गेन अच्छा कर लूँ, देन मैं वापस एमएमए शायद चालू करूँगा, बिकॉज वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं बचपन से करते आ रहा हूँ। एंड जो मैं तुम लोगों को फ्यूचर में बताऊँगा कि मैं कितना अच्छा फाइट करता था। सर एक बार मैं वेट गेन कर लूँ अच्छा, फिर हम लोग फाइट करेंगे, बहुत तगड़ी फाइट करेंगे। और मेरा ये रिकॉर्ड रहा है हमेशा, मैंने अपने से डबल वेट मतलब मेरे से ज़्यादा वेट से फाइट किया है, या मेरे से ज़्यादा प्रोफेशनल के साथ फ़ाइट किया है, मेरे बराबरी वाले के साथ कभी मेरा फ़ाइट नहीं हुआ है। अभी फ्यूचर में और फाइट करेंगे, बहुत ज़्यादा तगड़ी फ़ाइट करेंगे। एंड मेरा एक बार फ़ाइट हुआ था, मैं तुम लोगों को किस्सा बताता हूँ। मैं शायद 5th स्टैंडर्ड में था और मेरा फ़ाइट हुआ था 8th स्टैंडर्ड वाले के बंदे के साथ। एंड वो टाइम पर कुछ तो मैं गुस्से में था, या मतलब मेरे को डांट पड़ी थी घर से, या मास्टर से डांट पड़ी थी, आई डोंट रिमेंबर। पूरा गुस्सा वो बंदे पे मैंने उतारा था, एंड उसका नाक फोड़ दिया था, ऐसा ब्लीडिंग कर रहा था। वो टाइम पे सब लोग तालियां बजाई थी, मेरे मास्टर भी खुश हो गए थे, बट मुझे लास्ट में डांटा कि इतना एग्रेसिवली मत मार। मुझे आज भी वो दिन याद है, मैं भाईंदर में वो टाइम पे रहने का। सर अभी घर पे जाते फ्रेश होते, मुझे मुंबई भी जाने का है, उधर जाके ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ, मुझे बात करने को नहीं हो रहा है। ओके सो गाइस, एक प्रॉब्लम हो गई है, हर बार का हो गया। मैं दीपक से बात करने के चक्कर में मैंने याद ही नहीं रखा कि मैंने कौन से इसमें रखा था मेरा बैग, और अभी मैं सारा ये खोल रहा हूँ, और मेरे को शर्म आ रही है, लाइक दूसरों का भी खोलने में अच्छा ही लगता है। That's what she said. आई, शिट यार। एकदम पता है दूसरों का। हाँ मिला मेरा सेम चीज हो गया था, मिला। हाँ मेरी चाबी से मुझे मेरा सेम चीज हुआ था। हाँ तो मैंने ये पूरा लॉक उतर छान मारा था, हाँ A to Z लॉक,
क्या इधर ही ब्लॉग करने लग गया तू? ब्लॉग हर जगह करने का। ओके सो गाइस, अभी हम लोग रेडी हो गए। अभी मैं जा रहा हूँ हॉर्नेट के पार्ट्स लेने के लिए, क्योंकि थोड़े बहुत खराबी हो गई है। तो पहला चेक कराने जाऊंगा कि क्या क्या इशू है गाड़ी में, फिर उसके बाद हम लोग पार्ट्स लेके उसको ठीक करा देंगे। एंड उसका थोड़ा बहुत चेंजेस भी करना है तो वो भी कर देंगे। उसके बाद मैं घर पे आके डाइट लूंगा, बिकॉज अभी तक मैंने लंच नहीं किया है। भूख ही नहीं लग रही है, क्योंकि गर्मी में भूख नहीं लगती है और सर्दी के मौसम में डाइट बहुत अच्छे से होती है। अभी डाइट नहीं हो रही है। सो या अभी नीचे जाते हैं, देखते क्या करते क्या नहीं। मैं तो ये हेयर स्टाइल अच्छी लग रही है ना, साइड फॉल, और ये टी शर्ट एकदम स्पेशल, इसको मैं ऐसा कर दूंगा और ये कान में फिट हो जाएगा, उसकी वजह से मेरा चेहरा टैन नहीं होगा, हम लोग काले नहीं होंगे, और ये फुल स्लीव है तो उसकी वजह से हम लोग धूप से बच जाएंगे। सो या लेट्स गो। ओके सो गाइस, वी हैव रीच्ड। और मैं तुम लोग एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैंने पहले भी अपने ब्लॉग में ये गैरेज के बारे में बताया था कि वेस्ट में 100 फीट के इधर मेरा हॉर्नेट कभी भी ख़राब होता है मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया था इनको, मतलब सब लोग मामा ही बोलते हैं। एंड जो भी इनका काम रहता है जेन्युइनली बहुत बेस्ट रहता है, पैसे का बात नहीं करूँगा बट काम बहुत जेन्युइनली बेस्ट रहता है। सो या वापस यहाँ पे लेके आऊँगा। और मैंने तुम लोगों को ब्लॉग के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं बॉम्बे जाने वाला हूँ, तो हम लोग नहीं जाने वाले, बिकॉज वहाँ से मेरा एक बंदा आ रहा है तो सब सामान लेके आएगा, तो मैं वैसे स्टेशन से पिक कर लूँगा। तो एक काम तो ख़त्म हो गया, ये दूसरा काम ख़त्म होने के बाद हम लोग को तीसरा काम पर जाना पड़ेगा। ऐसे पूरा दिन निकल जाता है काम करने करने में। अभी तक मैंने लंच नहीं किया तो मुझे जाके लंच भी करना है, फिर देखेंगे हम लोग कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं। पहले मेरे को अपना बाइक ठीक कराने का, मुझे ख़राब चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। ओके सो गाइस, हम लोग अभी आए एक शॉप में। सत्यम भाई का आज बर्थडे, उनके दोनों सगे भाई भाई भूल गए बर्थडे आज। अभी हम लोग खा रहे हैं पेस्ट्री और केक वहाँ पे पैक हो रहा है। ऐसा मत, तो बड़ा काम नहीं किया है, बर्थडे भूल जाते भाई। ये ट्रेन ना सौरभ के बर्थडे से चला है, ठीक है? ये बताना जरूरी था, सौरभ भाई को रुला दिया था बर्थडे में। मेरे को क्या बोलते है, बोलते करण सबका ठीक है, तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम भूल जाओगे। अरे मेरे को मेरा बर्थडे याद नहीं रहता है। ओके सो गाइस, सत्यम भाई का बर्थडे मना के मैं घर पे आ गया था। मुझे एक और सामान लेने जाना था बट शॉप बंद हो गया था, तो कल सुबह जाएंगे। और ये व्लॉग आज यहीं पे एंड करता हूँ। बाय द वे, हम लोग के घर पे तुलसी है और वो तुलसी एक चूहा बार बार खा जाता है, तो मम्मी ने एक जाला बिछा के रखा था, वो ट्रैप बिछाते तो उसमें वापस चूहे को कैद कर लिया, तो मैं तुम लोग को बताता हूँ। आयो टेन टेन व्हाट्सअप। सो या यही सब था आज का दिन। आई रियली होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। इफ यू डिड, मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ऐसे डेली ब्लॉग्स के लिए। पीस आउट।